इस मूवी के स्टार्टिंग में हम बर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहां पर सब लोग काफी ज्यादा खुश है और अब रेड भी वहां का हीरो बन चुका था और वहां पर हर जगह रेड के पोस्टर लगे हुए थे और स्कूल के अंदर भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि कैसे रेड ने हमारे इस आइलैंड को बचाया था। लेकिन उसके बाद अभी भी बर्ड और पिग्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है और वह दोनों एक दूसरे पर कभी केकड़ों की बारिश तो कभी पानी से हमला करते हैं। तभी अचानक पिगी आइलैंड पर एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरता है, जिसे बर्ड आइलैंड से नहीं बल्कि एक दूसरे आइलैंड की साइड से भेजा गया था। उसके बाद रेड, चक और बम बीच की सफाई कर रहे थे, तभी उनके पास एक लेटर आता है जो कि पिगी आइलैंड से आया था, जिसमें पिग्स के सरदार लियोनार्ड ने लिखा था कि अब हमें एक दूसरे से लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और पुरानी सारी बातें भूलकर हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड तो यह सारी बातें लियोनार्ड की चाल लगती है। तभी उनके पास बहुत सारे लेटर आ जाते हैं और बर्ड आइलैंड के सारे बर्ड्स उस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यह बात सुनकर रेड बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर बर्ड और पिगी में लड़ाई बंद हो गई तो रेड अपने यहाँ का हीरो नहीं रहेगा, क्योंकि रेड पिगी से लड़ाई करने के बाद ही यहाँ का हीरो बना था। लेकिन दूसरी तरफ चक और बम इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, जिसके बाद चक और बम मिलकर रेड को मस्ती करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे बर्ड्स को देखते हैं जो आपस में पत्थर के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनके बीच में से एक बर्ड अंडे नहीं बोल पा रहा था, जिस वजह से दूसरा बर्ड अपने घर से असली अंडे लेकर आता है और वह लोग उस पत्थर को हटाकर वहां पर अंडों को रख देते हैं, जिसके बाद खेलते खेलते हुए अंडे पानी में बह जाते हैं और इन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम एक फीमेल ईगल को देखते हैं जिसका नाम जेठा होता है और वह बर्फीले आइलैंड पर अपनी बेटी डेवी के साथ रहती थी, लेकिन उसके आइलैंड पर सारी चीजें जमी हुई थी और इन सब से जेठा काफी वहां पर इरिटेट हो जाती है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वह बर्ड आइलैंड पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके बाद जेठा अपनी बेटी को हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन उनका इंजीनियर भी जम गया था। उसके बाद दूसरी तरफ चक और बम को देखते हैं जो रेड को अपने साथ लेकर एक डेटिंग प्लेस पर गए थे, जहां चक और बम बैटिंग के लिए वहां पर बिजी हो जाते हैं, लेकिन रेड अभी भी अकेला वहां पर बैठा हुआ था। तब वहां एक लेडी बर्ड रेड को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रेड उसे साफ मना कर देता है। अब एक और लेडी बर्ड रेड के पास बैठ जाती है और वह इससे खूब सारी बातें करने लगती है, लेकिन रेड काफी ज्यादा टेंशन में था, इस वजह से वह इसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और घर आने के बाद वह लेटकर पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वह लियोनार्ड है, जिसे देखकर रेड काफी ज्यादा डर जाता है, जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि अब तो हमारी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है और बातों ही बातों में रेड उसे बांध देता है, जिसके बाद पूछे जाने पर लियोनार्ड बताता है कि हाँ, हम दोनों के आइलैंड के अलावे तीसरा आइलैंड है जिसे ईगल आइलैंड के नाम से जाना जाता है और वहाँ की रानी जेटा जो हम दोनों के आयरलैंड को खत्म करना चाहती है, जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं। तब लियोनार्ड उसे उस बर्फ के गोले के बारे में बताता है, जिससे रेड को याद आता है कि उसने भी उस बर्फ के गोले को आते हुए देखा था। तब लियोनार्ड वहां पर कुछ पिग्स को बुलाता है और वो रेड को कुछ फोटोज दिखाते हैं, जिस पर लियोनार्ड कहता है कि अगर हमें इस चीज से छुटकारा चाहिए तो हमें आपस में मिलकर काम करना होगा और इस बात के लिए रेड उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद रेड लियोनार्ड को चक और बम से मिलवाता है और वह इसकी खासियत भी बता देता है, जिसके बाद यह लोग साथ में माइटी ईगल के पास जाते हैं और वह माइटी ईगल को फोटो दिखाकर बोलते हैं कि हम ईगल आइलैंड पर जा रहे हैं। माइटी ईगल जेटा का नाम सुनते ही काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है और पिग्स को एक इंजीनियर की जरूरत थी, जिस पर चक सबको अपनी बहन सिल्वर के बारे में बताता है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज टॉपर थी, जिसके बाद यह सब लोग सिल्वर के पास जाते हैं जहां वह अपने स्टूडेंट को एक खास धागे के बारे में बता रही थी और वह लगभग 1000 किलो तक के वजन को आराम से उठा सकता था। जिसके बाद यह सब लोग सिल्वर से मिलते हैं और सिल्वर को देखते के साथ ही रेड उसे पहचान लेता है, क्योंकि डेटिंग साइट वाले दिन रेड उससे पहले भी मिल चुका था, जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सब लोगों से कहता है कि सिल्वर हमारी टीम के लिए सही नहीं है। यह सुनकर सिल्वर लियोनार्ड को मस्का लगाने लगती है और लियोनार्ड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम उन बेबी बर्ड्स को भी देखते हैं जो अंडों को वापस लाने के चक्कर में बीच समंदर में पहुंच गए थे। किसी तरह वह अंडों को पकड़ लेते हैं, लेकिन व्हेल मछली के पानी के प्रेशर की वजह से वह सारे अंडे बादलों पर चले जाते हैं। इधर सारे बर्ड्स और लियोनार्ड माइटी ईगल के पास जाकर डिस्कशन करते हैं, जहां लियोनार्ड ईगल आइलैंड के बारे में डिवाइड कर रहा था। तब वहां पर रेड पहुंचकर सबको जेटा ईगल की फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद माइटी ईगल काफी ज्यादा डर जाता है, जिसे देखने के बाद सबको उस पर शक हो जाता है कि यह जेटा को पहले से जानता है। उसके बाद रेड सबको जेटा के बेस के बारे में बताता है और सिल्वर उससे पूछती है कि हम उस बेस को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, जिसका जवाब रेड के पास नहीं था। यह लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तभी इन्हें अचानक से आवाज सुनाई देती है और चेक करने पर पता चलता है कि एक बड़ा सा बर्फ का गोला इन्हीं की तरफ आ रहा है। जान बचाने के लिए किसी तरीके से यह सब वहां से भागते हैं, लेकिन माइटी ईगल इन सबको बचा लेता है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में उसका पूरा घर टूट जाता है
यह देखने के बाद वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है और एक पत्थर में टकराने की वजह से सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और जान बचाने के चक्कर में यह सब लोग मैप को पैराशूट के तरीके से पकड़ लेते हैं। लेकिन मैप भी हवा में अचानक से फटने लगता है और सिल्वर उस धागे की मदद से उस मैप को सिल देती है और उन सब की जान बचा लेती है। यह सब कुछ देखने के बाद वहाँ के बर्ड्स काफी ज्यादा डर चुके थे और इधर जेटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी सारे बर्ड्स उस आइलैंड को खाली नहीं कर रहे हैं, जिस पर जेटा अपने इंजीनियर से आग के गोले बनाने के लिए बोलती है। इधर हम रेड को भी देख पाते हैं जो एक मिशन पर जाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा था और वहाँ के सारे बर्ड्स को भी रेड पर पूरा भरोसा था, जिसके बाद यह लोग पिग्स की सबमरीन लेकिन वहाँ से निकल जाते हैं और सबमरीन के अंदर लियोनार्ड सबको अपनी गैजेट्स के बारे में बताता है जिसकी मदद से वह लोग हाइड हो सकते थे। इधर हम फिर से उन बर्ड्स को देखते हैं जो किसी तरीके से उन अंडों को उठा लेते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते समय वह अंडे उनसे पहले नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद यह तीनों एक स्नैक के ऊपर तीन अंडों को देखते हैं। इधर हम जेटा के इंजीनियर को भी देखते हैं जिसमें आग के गोले वाली मशीन को बना लिया था, लेकिन टेस्ट करने पर वह मशीन फेल हो जाती है, जिसमें जेटा अपने इंजीनियर से पूछती है कि आखिर इस मशीन को क्या हुआ है। तब उसका इंजीनियर उसे बताता है कि मुझे इस मशीन को ठीक से बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर जेटा उसे कहती कि मेरे पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। दूसरी तरफ हम इन सब लोगों को देखते हैं जो ईगल आइलैंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर माइटी ईगल बाहर आने से भी बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी उससे पूछे जाने पर वो अपनी सारी सच्चाई बताता है और वह इसे कहते कि जेटा मेरी एक्स है। काफी समय की बात है जब हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और एक दिन हम दोनों की टकराने से मुलाकात हुई और हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई थी। लेकिन लास्ट में जब हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी करने से पहले मैं वहाँ से भाग गया था और वहाँ पर जेटा मेरा इंतजार करती रही और मैं अपने आप को कायर बोलकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम दोबारा से उन बेबी को देखते हैं जो अपने अंडों को वापस लेकर अजगर को मार देते हैं। इधर यह लोग ईगल आइलैंड पर देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, जिस वजह से यह सब लोग ईगल वाला गेट अब लेकर अंदर जाने लगते हैं। यह देख रेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने रेड को इस प्लान के बारे में नहीं बताया था और यहाँ पर रेड अकेले ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर भी उसके पास जाती है। इधर यह लोग ईगल के गेटअप को पहन के उस ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किसी को उन पर शक भी नहीं होता। इधर रेड भी जेटा के वेपन तक पहुंच चुका था और वह उसके सहारे अंदर जाने के लिए कुछ जाता है, जिस वजह से सिल्वर को ना चाहते हुए भी रेड के पीछे आना पड़ता है, जहां रेड ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वेपन के वायर समझकर ओवन की वायर काट देता है, जिस वजह वहां पर मौजूद गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। इधर यह सब लोग उस सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस डोर में पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है और यह लोग वहीं पर छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां के गार्ड के पास एक की है, जिसकी मदद से वहां के डोर को ओपन किया जा सकता है, जिसके बाद यह लोग उस गार्ड का पीछा करते करते बाथरूम में चले जाते हैं और उसे वहां पर मरकर उससे वह की पास ले लेते हैं। इधर हम उस बेबी बर्ड्स को देखते हैं जो अपने बर्ड आइलैंड पर पहुंचने की जगह गलती से पिगी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, तो वहां के पिग उन्हें कहते हैं, यह हम तुम्हारे अपने आयरलैंड तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। इधर यह सारे लोग उसकी पास की मदद से उस डोर को ओपन करके अंदर जाकर डांस करने लगते हैं और इन्हें देखने के बाद वहाँ के सारे ईगल्स भी डांस करने लगते हैं। फिर हम एक ईगल को देखते हैं जिसने रेड और सिल्वर को पकड़ रखा था और जेटा इन दोनों को फ्रीज करने का आर्डर देती हैं। यह देख चक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर अपने पैर पटकने लगता है, जिस वजह से उसका कॉस्ट्यूम खुल जाता है। वह सारे गार्ड्स को दिखने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से वह लोग गेट से पीछे चले जाते हैं। इधर हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था और जेटा उन दोनों के सामने उन सभी पर हमला कर देती है। यह सब कुछ देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद जेटा रेड को जाकर अपना सारा प्लान बताती है और कहती है कि मैं वहां पर अपना पार्क बनाऊंगी और वहीं पर मैं अपना एक शानदार सा घर भी बनाऊंगी, जिस पर रेड उसे कहता है कि तुम्हारी इस हमले की वजह से यहां पर बहुत सारे मासूम बर्ड की जान जाएगी। तब जेटा रेड से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी वार्निंग दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन वहां पर रेड को अपनी गलती रियलाइज होती है। वहां पर बर्ड से उस जगह को इसलिए खाली नहीं किया कि उन सबको रेड पर भरोसा था। उसके बाद किसी तरीके से सिल्वर खुद को छुड़ा लेती है और वह रेड को वहां से बाहर निकाल लेती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जेटा अपनी मिसाइल को वहां पर लॉन्च कर चुकी थी। उसने 10 मिनट का टाइम डिसाइड कर दिया था, जिसके बाद यह सब लोग आपस में मिल जाते हैं और यह सब लोग वहीं पर खड़े प्लान बनाते हैं और इन सबको अब से सिल्वर गाइड करती है, जहां सबसे पहले बम को गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम मिलता है और चक सीसीटीवी कैमरा को बंद करेगा और उसके बाद सिल्वर और रेड वेपन के अंदर चले जाएंगे और पिक जो वहां पर लीवर खींचना था, जिस वजह से यह लोग सीधा वेपन पर जाकर गिर जाएं और वेपन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद यह सारे लोग मोटिवेट होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिसके बाद बम सभी गार्ड्स के पास पहुंच जाता है और वह सब लोग पार्टी में बिजी कर लेता है और इधर चक भी सारे कैमरे पर स्टिकर लगा देता है, जिसके बाद पता चलने पर जेटा सब लोगों को रेड और सिल्वर को ढूंढने का आर्डर दे देती है, लेकिन रेड और सिल्वर एक बर्फीले गोले के अंदर जाकर उसे नीचे गिराने का काम कर रहे थे। इसके बाद भागते हुए जंप करने के लिए पिग्स से वह लीवर खींचने का बोलती है।
लेकिन लीवर जाम होने की वजह से वो टूट जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपना गैजेट लगा देता है, लेकिन उस गैजेट का कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वहाँ के सारे गार्ड रेड और सिल्वर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से माइटी ईगल आ जाता है और वह जेटा से माफी मांगने लगता है, जिसमें जेटा उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और मैं पहले की सब बात भूल चुकी हूँ और अब मैंने बर्ड आइलैंड के लिए कुछ आइडिया सोचे हैं जो मैं करके रहूंगी। जिसके बाद जेटा और ईगल आपस में बात कर ही रहे थे कि रेड को वहाँ पर आइडिया आता है कि वह लोग सिल्वर के उस धागे से उस वेपन को बांध सकते हैं, और चक को चुपचाप ऐसा करने के लिए बोलता है और वह बहुत अच्छे तरीके से वह काम कर भी लेता है। तब जेटा उसे कहती है, यह सब कुछ अपनी बेटी के बेहतरीन लाइफ के लिए कर रही हूँ, जिसे तुमने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। यह सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जेटा वहाँ पर मिसाइल को लॉन्च कर देती है, जिसके बाद वह धागे की वजह से उस सारे वेपन्स के गोले रुक जाते हैं, जिससे रेड कहता है कि ये ज्यादा देर तक उनकी मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। लेकिन उस धागे की टूटने से पहले वह सारे लोग भागने लगते हैं और वह सब एक दूसरे का हाथ पकड़ उस धागे को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वह सारे बम के गोले वहीं पर ब्लास्ट होने लगते हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद जेटा का पूरा घर वहां पर टूट जाता है। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को वहां पर ढूंढने लगती है, जिसे देखने के बाद जेटा को लगता है कि शायद मेरी बेटी इसके नीचे दब के मर चुकी है और वह काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी उस मलबे में से माइटी ईगल निकलता है और जेटा देखती है कि उसने देवी को बचा लिया है, जिसके बाद माइटी जेटा से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उस रात तुम्हें छोड़ कर इसलिए भागा था क्योंकि मैं उस टाइम पर खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था और अब मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद माइटी उसे अपने स्टिकर दिखाता है जिसमें उसने जेटा की टैटू बना रखी थी। यह देखने के बाद जेटा भी समझ जाती है कि माइटी सचमुच मुझसे अब भी प्यार करता है, जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पिगी और बर्ड आइलैंड का खतरा भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वह आइलैंड पर पहुंचने बाद पिग्स और बर्ड बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वह सब रेड की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रेड कहता है कि अगर सिल्वर हमारे साथ नहीं होती है तो शायद हम इस मिशन को नहीं जीतते और इस बार का सारा क्रेडिट सिल्वर को जाता है। जिसके पास सब लोग मिलकर रेड को एक सरप्राइज दिखाते हैं, जिसमें रेड के साथ पूरे टीम का स्टेचू बना हुआ था, जिसके बाद रेड और सिल्वर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लास्ट में उन बच्चों को भी देखते हैं, तभी उन अंडों से बर्ड की जगह सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखने से ही पता चलता है कि यह लोग गलती से कोई गलत अंडा उठाकर ले आए हैं, जिसके बाद वह स्नेक उनके पास वहां पर पहुंच जाता है और वहां से अपनी स्नेक बच्चों को लेकर इनको बाढ़ वाले बच्चे दे देता है, जिसके बाद वह छोटे बेबी बर्ड फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।